गाइस, तो आज का व्लॉग एकदम गलत टाइम पे स्टार्ट हुआ। टाइम क्या हो गया पता? 1:41 हुआ है और रात को मैं इसको मिलने का आया हूँ और केवल का जस्ट फोन आया कि वो सुबह 5 बजे कोई तो ट्रिप पे जा रहा है एक रात के लिए। तो उसने मेरे को पूछा तू आ रहा है तो चल सुबह। तो मैंने सोचा थोड़ा और मैं सोचा जाता हूँ घर के, तो अभी 2 तो बज गया। 3 उसके घर पे रुक जाना यार, घर पे जाएगा उसे, चल उसके घर पे रुक ले। घर जाके सोचूंगा क्या करना है, मोस्टली तो जाऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6:30 बजे है। आप लोग के लिए गुड मॉर्निंग होगा, मेरे लिए तो गुड नाइट भी नहीं हुआ अब तक, रात भर जाग ही रहा था। और 5 बजे मैं और सर्वेश डिसाइड कर रहे थे कि जाए कि नहीं, 20 मिनट बाकी था, 20 मिनट में डिसाइड किया जाए कि नहीं। और अब तक एक्चुअल प्लेस भी नहीं पता कौन से प्लेस पे जा रहे हैं हम लोग, और केवल का वेट कर रहे हैं एज यूजुअल। इधर डिवाइडर पे बैठे हम लोग, किधर जा रहे? सातारा ना, सातारा के आसपास जगह है कोई तो मालूम नहीं अब तक। अरे बांध के रखा है इसको। नहीं नहीं नहीं, अभी जस्ट ब्रेक लिया, 200 किलोमीटर हो गया है और 80 किलोमीटर बाकी रहेगा कुछ तो। और ये दोनों मेरे पे सोए थे, दोनों मेरे पे सोए थे। और ज़्यादा गाड़ी में व्लॉग नहीं किया क्योंकि सब सो रहे थे तेरे ऊपर। अभी फिलहाल हम लोग होटल जाने वाले थे, लेकिन उसके पहले एक और अच्छा लोकेशन था तो वहाँ ऐसे ही 5 मिनट के लिए राउंड मारने को आ गए। क्या है कैसा है करके है। कुछ फडणवीस वाड़ा ना, नाना फडणवीस वाड़ा, नाना फडणवीस, दादा फडणवीस, ऐसा बताया कि यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है और ये सब है ना बहुत सालों पहले गए। वहाँ पे ये जो मंदिर है वो भी बहुत साल पुराना है ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। गई भैंस पानी में। सो फनी, हाँ कैमरा व्लॉगर और अभी यहाँ पे लोकल को पूछा तो बोला कि यहाँ पे दबंग मूवी का शूटिंग हुआ है और बोल बच्चन का शूटिंग हुआ है यहाँ पे, परदेश मूवी का भी शूटिंग हुआ है यहाँ पे। परदेश देखा नहीं है लेकिन ठीक है, काफ़ी सीनिक है। यहाँ से देख के लग भी रहा है कि थोड़ा ऐसा बोल बच्चन में शूट किया था। और यहाँ पे वो बच्चा मंदिर में ऊपर चढ़ता है और वहाँ से कूद जाता है। तो वहाँ से निकले, खाना वाना भी खा लिया और अब गाड़ी में बैठे, अभी होटल ढूंढेंगे। बारिश एक्सपेक्टेड नहीं था और बहुत ज़्यादा बारिश आ गया, बहुत ज़्यादा, पूरा प्लान्स रुइन हो जाएगा शायद। अब एक दो होटल तो ढूंढ लिया, कोई अच्छा नहीं मिल रहा, इसलिए केवल देखने गया अभी कौन सा अच्छा है। और ये टाइम पास कर रहे, इधर क्या कर रहे रे? बहुत सोच रहे भाई तू। अरे तो फाइनली एक होटल सिलेक्ट कर लिया केवल ने, अभी इधर जा रहे। बारिश भी है अभी, शायद बाहर जाने का प्लान कैंसिल होगा, लेकिन ठीक है, रूम भी इतना अच्छा और व्यू भी अच्छा है, देखते बताता हूँ मैं आपको, सब बताएगा तेरा भाई, सब बताएगा। इधर होटल में आ गए और चेक इन किया है, ये पूल है और ये होटल हम लोग माउंट व्यू करके, तो यहाँ से व्यू भी है थोड़ा थोड़ा, वैली है ना तो व्यू दिख रहा है अच्छा सा, इसलिए तो नाम है माउंट व्यू। पूल में शायद जाएंगे कि नहीं मालूम नहीं, मोस्टली तो नहीं जाएगा मैं, ये लोग का पता नहीं, ये लोग जाएंगे शायद। और ये हम लोग का रूम है, ये वाला और ऊपर वाला, क्या बात चालू है, ठीक है कुछ ज़्यादा। और ये अच्छा व्यू है इधर से, देख बाहर जाने का प्लान तो है नहीं, तो बेस्ट भी देखा है।
इग्नोर करो। आपको रूम टूर देता हूँ। क्या है, हम लोग पहले घुस चुके हैं, ये सब सामान रख दिया। ये बेसिक हॉल है, व्यू अच्छा है बस। यहाँ से कोई तो खड़ा है नीचे। ओह, फोटोशूट चालू है। फिर यहाँ पे छोटा सा बाथरूम है। और ये लोग ऊपर, अरे ऊपर जाने के लिए क्या कर रहा है तू? हाँ, सेम व्यू। ये छोटा सा कमरा था, इसमें हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे। फिर थोड़ा बैठे हम लोग और रात हो गया, तो खाना ऑर्डर किया। खा के मस्त पड़े। इसके वजह से हमको रोटी सब्जी खाना पड़ रहा है। रोटी सब्जी ही खाने का, वेरी हेल्थी। मैं तो खा ही रहा हूँ ना। हमको क्यों सजा? थोड़ा जोर से बोलेगा तो ये लोग को सुनाई देगा ना। हमको क्यों सजा? फिर शायद वॉक करने जाएंगे लेट नाइट। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसा फ्लैश डाल के चलना पड़ेगा हम लोग को। और क्यों सर है भाई? और रूम देखते देखते मैं इस पर नजर गया, एकदम विंटेज टीवी है, एकदम छोटू सा। देखो कितना छोटू। इसको नजर ना लगे बेटा। कितना ले लो मैं। बिल्कुल फनी नहीं था। तो बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ गाइस। बाय, साइनिंग ऑफ मेरे डायलॉग है। तेरा बाय, तेरे को बाय बोलने के खाली। बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। साइनिंग आउट।